नमस्कार साथियों, मैं कुमार मंगलम आज आप लोगों के साथ मैं भारतीय काव्य शास्त्र के विभाग काव्य लक्षण पर बातचीत करूंगा जो आपके सिलेबस MA HL 504 से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पता है, भारतीय काव्य शास्त्र का जो स्वरूप है वह मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से विकसित हुआ है। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन कविता से संबंधित विचारों के लिए जाना जाता है। काव्य लक्षण का आशय यह है कि यह कविता होने के क्या लक्षण है, वे कौन से तत्व कविता में होंगे जिसे हम कविता कहेंगे, को निरूपित करता है। आप सामान्य आशयों में यह समझें कि काव्य लक्षण के अंतर्गत कविता किसे कहते हैं से संबंधित सवालों और चिंतन को जगह दी जाती है। विभिन्न विचारकों ने काव्य लक्षण पर अपने मति अनुरूप बातचीत की है। सर्वप्रथम अग्नि पुराण में और उसके बाद भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में काव्य पर बातचीत की गई है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में काव्य पर जो बातचीत की गई है वह दरअसल दृश्य काव्य का नमूना है। वे दृश्य काव्य के हवाले कविता पर बात करते हैं, क्योंकि भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है वह मूलतः नाटकों का शास्त्र है। लेकिन चूंकि नाटक भी और नाटक में एक साहित्य का अंग होता है, तो उसमें जो साहित्य की बातचीत की गई है वह कविता के संदर्भ में वहाँ से थोड़ी बातचीत उसका संकेत मिलता है। मुकम्मल रूप से सबसे पहले कविता पर, और यहाँ कविता का आशय साहित्य है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय काव्य शास्त्र है वह मूलतः भारतीय साहित्य शास्त्र है। तो कविता पर और कविता के साथ साथ साहित्य की अन्य विधाओं पर, जिसे पहले कविता ही कहा जाता था, पर बातचीत की गई है। भामह काव्य लक्षण का सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं और वे इसे कहते हैं शब्दार्थो सहितम काव्यौ। आप यह देखें कि जो भामह हैं वे कहते हैं शब्द और अर्थ का जो सहित भाव है, जो सहकार भाव है, वह काव्य है। और उसके बाद जैसे जैसे हम अन्य विचारकों को, अन्य आचार्यों को, अन्य दार्शनिकों को, अन्य काव्य चिंतकों को पढ़ेंगे, वे अपने अपने मत मतांतरों के अनुसार, अपने सिद्धांतों के अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं। यानी कि जब हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उनमें कुछ संप्रदाय हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अलंकार संप्रदाय है, रस संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है। तो तमाम संप्रदायों के जो निर्देशक हैं, जो दिग्दर्शक हैं, जो आचार्य हैं, वे अपने अपने हिसाब से इसकी परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। मूलतः जो काव्य लक्षण के आधार हैं वे तीन हैं। संस्कृत में पहला है शब्दार्थ के आधार पे, शब्द और अर्थ के आधार पे। दूसरे तरह के जो आचार्य आते हैं वे शब्द के आधार पर काव्य लक्षण को देखने की कोशिश करते हैं, और तीसरे जो आचार्य हैं वो रस और ध्वनि के आधार पर काव्य लक्षण को देखने की कोशिश करते हैं। शब्द के आधार पे जो सबसे पहला आचार्य हमारे सामने आता है वह भामह है। भामह कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर रुद्रट आते हैं, वे कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्दार्थ निश्चय ही, जिसमें शब्द और अर्थ का निश्चय हो वह काव्य है। वामन आते हैं, वामन कहते हैं काव्य शब्दो यं गुणालंकार संस्कृत यो शब्दार्थ यो वर्तते। यानी कि काव्य वह है जिसमें शब्द, गुण और अलंकार संस्कृत बद्ध हो,
उसमें शब्दार्थ की सार्थक निर्मिति हो वह काव्य है। वामन सौंदर्यम अलंकार और काव्य ग्राह्य अलंकारात कहते हैं, अर्थात वह काव्य जो अलंकारों को ग्राह्य करे। क्यों? क्योंकि अलंकार जो है वह सौंदर्य है, यानी जो सुंदर है और अलंकारों से युक्त है वह काव्य है, ऐसा वामन कहते हैं। फिर कुंतक आते हैं जो एक तरीके से एक व्यवस्थित परिभाषा, एक बड़ी परिभाषा भी देते हैं, और कुंतक कहते हैं शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लाद कारिणी। यानी कि शब्दार्थ का जो सहित भाव है और उस भाव में वक्र कवि व्यापार शालिनी, वो जो कवि का व्यापार है कविता, वह शब्द और अर्थ से तो युक्त हो लेकिन उसमें एक वक्रता हो। बंधे व्यवस्थितो, और वह व्यवस्थित रूप से बंधा हुआ हो, और वह काव्य कैसा होगा? वो आह्लाद प्रदान करने वाला, खुशी प्रदान करने वाला, मन को संतोष प्रदान करने वाला कविता हो, वह कविता है। फिर मम्मट आते हैं, वे कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। वे कहते हैं दोषों से युक्त, अलंकारों से, अलंकार और गुणों से युक्त जो शब्द और अर्थ है वह काव्य है। आगे ऐसे ही वाग्भट, आनंदवर्धन, राजशेखर, क्षेमेंद्र और विद्याधर इत्यादि आचार्य भी शब्द और अर्थ के हिसाब से काव्य लक्षण को निर्धारित करते हैं। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। वाग्भट कहते हैं साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्य कुर्वीत कीर्तये। आनंदवर्धन आते हैं, वे कहते हैं सहृदय हृदयाह्लाद दुष शब्दार्थ मयत्वमेव काव्य लक्षणम। राजशेखर आते हैं, वे कहते हैं गुणवदलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। राजशेखर कहते हैं शब्दार्थो वाक्यम काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य है। क्षेमेंद्र कहते हैं काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृते। विद्याधर कहते हैं शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ पुष्टवास्त काव्यम। यानी ये सारे आचार्य शब्द और अर्थ के हिसाब से काव्य लक्षण करते हैं। फिर जो दूसरे आचार्य हैं जो शब्द के आधार पे करते हैं, ये शब्दार्थ इससे पहले शब्दार्थ के आधार पे कर रहे थे आचार्य, अब जो दूसरे आचार्य हैं वे शब्द के आधार पे करते हैं, और इसमें दंडी, जयदेव, जगन्नाथ और हेमचंद्र प्रसिद्ध हैं। पंडित राज जगन्नाथ की बिल्कुल चर्चित परिभाषा यहाँ हमको देखने को मिलती है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। यानी कि वह शब्द काव्य है जो रमणीय अर्थ को का प्रतिपादन करता है। रमणीय यानी सुंदर, जिसमें मन लगे, चित्त लगे, जिसमें हमारे चित्त का रसायन उर्वर हो, वह रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द काव्य है। दंडी कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। यानी जो कविता का पद है और जो शब्द है वह शरीर है, लेकिन इसके अवच्छिन्न संबंध से जो पद निर्मित होता है वह कविता है। जयदेव कहते हैं निर्दोषा लक्षणवती शरीरिति गुणभूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिवाक्य नाम वाकम। ठीक इसी तरह हेमचंद्र इसकी परिभाषा देते हैं अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। और फिर रस और ध्वनि के आधार पे हमारे दो संस्कृत के आचार्य परिभाषा देते हैं, वो हैं विश्वनाथ और भोजराज। विश्वनाथ परिभाषा देते हुए कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि जिस वाक्य में रस का वेग हो, जो रस से युक्त वाक्य हो, वही काव्य है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के जो साहित्यकार हैं
वे कैसे हमारे काव्य लक्षण परिभाषित करते हैं। आप सबों को ख्याल हो कि हमारा जो रीतिकाल है हिंदी साहित्य के मध्यकाल का, उसमें हमारे जो कवि आचार्य हैं वे काव्य लक्षण के अनुरूप कविता लिखते हैं और उनके कविताओं में वे काव्य की परिभाषा देते हैं और उन कवियों ने काव्य लक्षण पर विचार किया है। केशव दास कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबुरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। वे अब देखिए इसे वे कैसे कविता की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। कविता, मित्र और पत्नी भूषण के बिना विराजी मतलब सुंदर नहीं लगती हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि वे सुंदर जाति से हों, सुंदर लक्षणों वाली हों, सुवर्ण सुवरण हों, सरस हों, सुवृत्त हों, लेकिन आभूषण यानी कि अलंकार उनके लिए प्रमुख है। आगे श्रीपति आते हैं, वे कहते हैं, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता वनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। श्रीपति यहाँ रस और अलंकार को कविता का प्रमुख कारण मानते हैं और कहते हैं कि यद्यपि बिना दोष के और गुण के साथ अलंकार जिसमें मौजूद हो, लेकिन कविता की छवि तभी बनती है जब उसमें रस प्रमुख हो। आगे चिंतामणि आते हैं, वे कहते हैं, बात कहाऊ रसमय जू है कवित्त कहावे सो, यानी जिस बात में रस है कविता वही कहलाने योग्य है। एक और उदाहरण वो देते हैं, सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित्त कहत विबुध सब कोई। वे कहते हैं कि सभी गुणों और अलंकारों से युक्त दोष रहित शब्द और अर्थ को कविता कहते हैं, यानी कि वे अलंकार और शब्दार्थ दोनों को मिला देते हैं। एक अन्य रीतिकालीन कवि कुलपति मिश्र कहते हैं, दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अहंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। यहाँ भी वे शब्द और अर्थ को केंद्र में रखते हैं। अपने दूसरे कवित्त में कुलपति मिश्र कहते हैं, जगत अद्भुत सुख सदन शब्द रु अर्थ कवित वह लक्षण मैनो कियो समझ ग्रंथ बहुचित। यानी यहाँ भी वे शब्द और अर्थ की बात करते हैं। फिर सुरति मिश्र एक कवि हैं रीतिकाल के, वे कहते हैं, बरतन मन रंजन जहाँ रीति अलौकिक होई निपुण कर्म कवि जो जूति ही काव्य कहत सब कोई। सुरति मिश्र यहाँ रीतिवादी हो जाते हैं और वे रीति को कविता का प्रमुख लक्षण मानते हैं। हमारे रीतिकाल के प्रमुख कवि देव, वह जब अपनी कविता में आते हैं तो वे अलंकार को प्रमुख मानते हैं और क्या कहते हैं, शब्द जीव तिहि अर्थ मन, शब्द जीव है और अर्थ मन है और रसमय सुजस शरीर, और कविता का जो शरीर है वो रसों से युक्त है चलत वह जग छंद गति, और जब वह चले जिस रूप में वह चले वह छंद है और अलंकार गंभीर, और उसे अलंकार गंभीर बनाती है। यानी कि एक तरीके से जो देव हैं वो एक पूरी परिभाषा हमारे सामने कविता की रखते हैं, जिसमें वो कविता को एक ऐसी युवती के रूप में कल्पित करते हैं जिस शब्द जिसका जीव है अर्थ जिसका मन है और पूरा जो शरीर है वह रसमय है। फिर ऐसे ही सोमनाथ ग्वाल भिखारी दास प्रतापशाही इत्यादि कवि आकर के अपने कविताओं में इसकी व्याख्या करते हैं और अलग-अलग रूप से कविता को समझने की कोशिश करते हैं। और अब हम लोग आते हैं हमारे आधुनिक काल में, हमारे समय के सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने एक पूरी निबंध ही लिखी जिसका नाम है कवि कविता क्या है, और वे अपने इस निबंध में
कविता की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। वे आगे कहते हैं, जगत का नाना वस्तु व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। फिर वे कहते हैं, सत्वाद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। फिर वे कहते हैं, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। आप इन विचारों पर विचार कीजिए तो पाएंगे कि आचार्य शुक्ल जो हैं, वे कविता को एक अलंकारों से, सिद्धांतों से बाहर निकाल करके यह जो जगत के नाना व्यापारशाली रूप है, उसमें एक ऐसे दिग्दर्शक के रूप में रखते हैं जो हृदय की मुक्तावस्था का विधान है। और वे सत्वाद्रेक जो हमारे हृदय के सत्व का, यानी आचार्य शुक्ल के हिसाब से जो कविता है वह सत्य का प्रहरी है, वह हमारे भीतर के सत्व के उद्रेक को, और किसके लिए, हृदय की मुक्तावस्था के लिए जो शब्द विधान होता है वह उसे कविता वे कहते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी जब हमारे भीतर ज्ञान आता है तो हमारी आत्मा मुक्त होती है, और रस दशा वह कहलाती है जब हमारा हृदय मुक्त होता है। और यह जो रस दशा है वह कैसे निर्मित होता है, वह कविता से। और जब वे रस की बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो यकीन मानिए वे हमारे रस संप्रदाय के जो रस के सिद्धांत है उससे भी आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह हमारे कवियों ने, छायावाद के कवियों ने भी कविता को परिभाषित करने की कोशिश की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारे छायावाद के बहुत बड़े कवि हैं, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसे कवि हैं जो परवर्तक न भी हो तो आज की कविता जिस रूप में हमारे सामने मौजूद है उसके प्रसारक तो जरूर हैं। उन्होंने जब मुक्त छंद की बात की तो वो छंदों से मुक्ति की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जमीन तैयार की जिसकी वजह से आज की कविता संभव हुई। वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता को परिभाषित करते हुए कहते हैं, कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है, यानी कविता वह है, हमारे हृदय का वो उच्छ्वास है, लेकिन उसके साथ एक विशेषण लगा हुआ है, विमल हृदय का, यानी कि ऐसा हृदय जो स्वच्छ हो, साफ हो, जिसमें जोड़ तोड़ साठ गांठ न हो। महादेवी वर्मा कहती हैं, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। और जब ये परिग्रह शब्द आता है तो आप ध्यान दीजिए कि महादेवी वर्मा की दार्शनिक निर्मिति बौद्ध और जैन और भारतीय दर्शन के उस दार्शनिक संबोधन से है जो अहिंसा को केंद्र में रखता है। आप महादेवी वर्मा की मात्र इस शब्द की के प्रयोग से गांधी का जो अपरिग्रह है, जो जैन और बौद्ध धर्मों का और भारतीय दर्शनों का अहिंसात्मक रूप है, उससे भी जुड़ता है। वे लिखती हैं, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महति वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयपयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा है, आत्मा की
मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेता है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यानी ये कविता तब निर्मित होती है जब हम अपने भावों से परिपूर्ण होते हैं। और सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, यानी कि कविता वह है जिसकी संलग्नता मानव जीवन से संबद्ध है, यानी मानव जीवन की सूक्ष्म अति सूक्ष्म कार्य व्यापार भी कविता का अंग है। बाद के आलोचकों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र इत्यादि ने भी कविता को अपने अनुरूप समझने की कोशिश की है। मैं एक एक उदाहरण दे करके आगे बढ़ूंगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। और वे कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। रामविलास शर्मा कहते हैं, साहित्य जनता की वाणी है। गुलाब राय कहते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि का भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं को कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। वहीं नंदुलारे वाजपेयी हैं, वे कहते हैं, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग भावनात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने का प्रबल सामर्थ्य रखती है। वहीं नागेंद्र जो हैं, जो हमारे हिंदी के रसवादी आचार्य हैं, वे कहते हैं, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। वे कहते हैं, आत्माभिव्यक्ति ही मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। आप देखें, हमने आज की बातचीत में संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों से लेकर के हाल के हिंदी के कवियों और आलोचकों की दृष्टियों को समझा, परखा और जानने की कोशिश की कि कविता क्या है। मूलतः जिस कविता को शब्द और अर्थ के शरीर से लेकर के अलंकार, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य इत्यादि के रूप में आत्मा देखने की कोशिश की गई और उसकी एक दार्शनिक व्याख्या की गई, रीतिकाल में कवि आचार्य बनने के होड़ में काव्य लक्षणों को कविता में ढालते रहे, वहीं आधुनिक काल में आने के बाद कविता जो है वह जनता से जुड़ी, वह जनमन की भाषा हुई और हमारे हृदय की मुक्तावस्था को, हमें मुक्त करने की जो वाणी हुई वह कविता हुई। आपने काव्य लक्षण प्रभाग में कविता क्या है को समझा। आने वाली कक्षाओं में हम काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और जो हमारे काव्य के अनेक संप्रदाय हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे कम से कम आप सबों को एक समझ विकसित होगी कि कविता जो कि अपने आरंभिक काल में शब्द और अर्थ की का साहचर्य भाव ही था, वह आज आते आते हमारे जीवन की आत्माभिव्यक्ति बन गई है। और कैसी आत्माभिव्यक्ति, जिसे मुक्तिबोध वे कहते हैं कि ये अनिवार्य आत्माभिव्यक्ति है जिसको हम पा न सके, अभी भी हम उसको पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं,
यह जन जन की भाषा है, यह जन की अभिव्यक्ति है, यह जनता की अभिव्यक्ति है, जो हमें विशिष्ट बनाती है, जो हमें संस्कारित करती है, जो हमें एक भावुक और एक समझदार इंसान बनाती है, वह कविता है। आप सबने सुना, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।